मेरा नाम राशि जहीर है और आप मेरा न्यूज चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। जल्दी आपको एक खबर बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर कई शहरों में हिंदुत्ववादी संगठन इकट्ठे हुए और बोल दिया कि अब अजान नहीं होगी, और अगर अजान होगी तो अब कहा जाएगा कि उन्होंने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगा दिए हैं लाउड स्पीकर की तरह से कि अगर आप अजान देंगे तो हम बहुत तेज आवाज में ही करेंगे। पुलिस के सामने भी वो गरिया रहे हैं, बदमाशी दिखा रहे हैं। पहले का वीडियो देख लीजिए, दो वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद बात खत्म कर दूंगा। सिर्फ आपको खबर देनी है कि धीरे 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 आप किस गलतफहमी में है। एक शेर सुना दूं मैं आपको, वीडियो तो मैं सुना दिखाई दूंगा आपको। वो कहता है, शायर के वतन की फिक्र कर गाफिल मुसीबत आने वाली है और तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा नाम भी ना होगा दास्तानों में। ये दो लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, इस बात को मेरी कम को ज़्यादा समझ लीजिए। अगर शायद समय आपके पास हो, ये लंबे लंबे मोबाइल रख के लंबे लंबे बाल रख के ठीक है करिए आप फैशन, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कहाँ पे जाने की ज़रूरत है। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बयान करूँगा। आज मौलाना बनने का भी शायद जहन में है, आप ये वीडियो देखें। भाई साहब, ऐसा है आज राउटी में जो मस्जिद में अजान आवेदन देने के बाद भी लाउड में बढ़ा दी गई है, तो इसका हमने एक उपाय किया है। ये मेलवाड़े में जहाँ इनके सामने मस्जिद है उसके सामने हमने लाउड स्पीकर लगा दिए, और जब जब इनकी अजान बजेगी जब जब हमें सब कुछ बजाएंगे। ये संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए, इसकी वीडियो वायरल करो, ठीक है। वीडियो एक जना बना लेगा, एक दो जना बना लेगा। पीछे चले जाओ, पीछे 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 जाओ, पीछे आया बन जाए। अरे आओ ना, एक एक जना पास वीडियो, एक जना वीडियो। हमको मतलब पांचों टाइम हमको डिस्टर्ब किया जाता है, हम हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लोग प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हो रही है इन चीज़ों से। तो इसी संदर्भ में ये आपको हम ज्ञापन दे रहे हैं, उसकी आप शीघ्र सुनवाई करें। नहीं तो यहाँ पे जितने हिंदू घर हैं सभी से आपको भोंगे भोंकू की से आवाज़ों से इनको भी डिस्टर्ब किया जाएगा और सभी प्रकार से इनको परेशान किया जाएगा। ये हमारा आपसे निवेदन है, निवेदन आप स्वीकार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। ये शुरुआत है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है, इसको आप गंभीरता से ले लें, ऊपर से भेज दें, गंभीरता से आप ले लें। ये दोनों वीडियो देख ली, एक वीडियो में तो खुलेआम कहता हिंदुत्ववादी संगठन का बंदा कि साहब अगर आपने ये किया तो हम कुछ भी करेंगे और ऐसे हम जो ये काम कर देंगे लाउड स्पीकर बजाएंगे, ठीक है बजाइए भाई। दूसरे ने क्या कहा, वो पुलिस थाने में कह रहा कि साहब अगर आपने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो हम अपने स्तर से जो हमें करना वो करेंगे। वहीं से आवाज़ आती है, आपने अगर ध्यान से सुनी हो कि ये जो है राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है, और मैं आपको बता दूँ इसके अंदर जो है ना, ये खाली उज्जैन में और खाली जो है इंदौर में नहीं हुआ, खंडवा में हुआ, धार में हुआ है, मार एक दूसरी तीन चार शहर है, यानी कि एक एक ही बात कई सारे शहरों में हुए। इसका मतलब मशवरे हैं आसमानों में, मशवरा हुआ ऑन द टेबल कि हम अलग अलग शहरों में, यही तमाम हिंदू दल के लोग हैं, इन्होंने आकर कहा। चूँकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इसकी कहीं ना कहीं तो आग लगानी है, लेकिन आप इतने बेफिक्र रहिएगा कि अब आप करेंगे क्या, बात है ये करेंगे क्या साहब, एक काम तो कर ही सकते हैं, कुछ नहीं आता मस्जिद का रास्ता तो पकड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब नमाजी तो बहुत हो रहे हैं, नमाजी बहुत हो रहे हैं, वो नमाजें कैसी हैं आप जानते हैं, उसका सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए। जब आपके पास कुछ नहीं है, मस्जिदों से जाने से नहीं रोका जा रहा अभी आपको, मैं इस समय मुखातिब सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से हूं, आपको मस्जिद से जाने से नहीं रोका जा रहा। हाँ, कोविड की वजह से ऊपर वाले की मार आई थी कि मस्जिद से रोका गया था, अगर आप मस्जिद का रास्ता पकड़ लें और मांग लें मदद, और अपनी हरकतें अगर ख़राब हैं तो उनको ख़त्म कर लें, किरदार से सही हो जाएं, ज़बान से सही हो जाएं, लेन देन से सही हो जाएं। सफाई के लिए किसी ने रोका है? अच्छे अखलाक के लिए किसी ने रोका है? देखिए आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ, चूँकि आपका जहन अजीबोगरीब है। अल्लाह के नजी भी जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो बैतुल्ला के अंदर सैकड़ों बुत थे, ठीक है 360 बुत बताते हैं। किसी भी बुत को बाहर करने के लिए अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में एक शब्द नहीं कहा।
कहा एक शब्द नहीं कि बुध बाहर कर दो और यहां पर हम पूजा करेंगे या इबादत करेंगे। कहा यूं कि अपने अपने किरदार सुधार लो, जब उनके किरदार सुधर गए तो बुध उन्होंने अपने आप फेंक दिए। उजाला कर दो अपने किरदार से, अपनी जबान से, अपने अखलाक से, अपने लेन देन से, तो उससे क्या होगा? जब उजाला हो जाता है तो कानून है कि अंधेरा नहीं रहता। ये कुफ्र का अंधेरा जो है ना, ये इस वजह से है कि आप में और हमारे अंदर उजाले ख़त्म हो गए। जब उजाले बन जाएंगे किरदार से तो हो जाएगा। अब सुन लीजिए ये किरदार कहाँ पेश करें। देखिए हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लॉबी है वो प्लम्बर हैं, बिजली का काम करने वाला है, रेहड़ी वाला है, ये सबसे बेहतरीन तबलीगी बन सकते हैं। 200 रुपये की मजदूरी है ना, तो 200 रुपये ही मांगिए, काम पूरा कीजिए। जिसके पास जाओगे कहेंगे कि ये है मुसलमान, और जिसने काम कराया है वो समझ ले कि अल्लाह के नबी का हुक्म यह है कि पसीना सूखने से पहले इसकी मुझे मजदूरी दे देनी है। ये शैतानियत छोड़ दोगे ना तो ये मौलाना जो तमाम जो दर्स दे रहे हैं ये भी बहुत कामयाब चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ठेले पे फल बेचने के लिए अगर झुकता हुआ तोल दोगे तो कह देंगे मुसलमान झुकता हुआ तोलता है। काम अगर सही करेंगे, ये जो मिस्त्री लाइन के लोग हैं ये तमाम अगर अपने किरदार को सुधार लें, और जो इनसे काम लेने वाले मुस्लिम लोग हैं, मैं वाकई लोगों से मुखातिब इस वक्त नहीं हूँ, वही लोग अगर आपको कर लें तो हमारे किरदार सुधर जाएंगे। अब आप कहेंगे कि साहब वो खबर तो सुना रहा था, मस्जिद के ऊपर अगर अजान पे पाबंदी लगा दी गई है ना, तो ये पाबंदी तो अभी कोविड में मस्जिद में जाने में भी लग गई थी, और मस्जिद का बनाने के और बिगाड़ने के भी ऑर्डर आ चुके हैं। लेकिन आपको अच्छा शहरी संविधान के मुताबिक बनना है और पढ़ना है, लिखना है, और इस्लाम की तालीम अपनी ज़िंदगी में उतारनी है। ये मोबाइल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुका है, लड़के रातों को लेकर बैठे, बैठिए, नहीं रुकेंगे आप। इस वक्त मदरसे का लड़का भी नहीं रुकेगा, वो कर रहा है इस काम को, मोबाइल से नहीं रुकेगा आपको, क्योंकि अगर रोक देंगे तो कहेंगे कौन सा मौलाना आ गया है ना। ये मोबाइल खरीदते समय, टीवी खरीदते समय किसी आदमी ने ये नहीं सोचा था कि मैं बयान सुनूंगा। ये लाए तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, चाहे सीरियल देखना हो चाहे फिल्में देखनी हो, लेकिन चलिए इसी टूल को थोड़ा सा कारगर कर लो। हालांकि शराब के गिलास में पानी नहीं पिया जाता, लेकिन इतना सख्त फतवा नहीं दे सकता मैं आपको कि मोबाइल छोड़ दो, क्योंकि मोबाइल छोड़ेंगे नहीं आप, हम तो अपने बच्चों को नहीं मना कर सकते। आप इतना कर लीजिए कि इसी मोबाइल के माध्यम से थोड़ी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छे बयान सुन लीजिए, अच्छे लोगों को सुन लीजिए, अवेयर हो जाइए, और कोशिश कर लीजिए कि मेरे मौला से मेरी दोस्ती का मामला है या नहीं। ये काम ज़रूरी है। खबर देने यही आया था कि अभी अजान पे पाबंदी है और तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, इस बात को समझने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ, दलित जो हमारा हरिजन समाज है, हरिजन शब्द नहीं बोलना चाहिए शायद, ये दलित समाज जो है इनके साथ भी ऐसा ही होता आया है और होता था, लेकिन जब इन्होंने कलम पकड़ा, ये बात अलग है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इन लोगों में से IAS PCS निकले और उन्होंने अपनी व्यवस्था को बदल दिया। मुसलमानों से कम हैं दलित, जाट कम हैं, उनकी भी पार्टी, सबकी पार्टी, और ओवैसी को कहेंगे चोर तो फिर कौन सा फरिश्ता है? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती? अपने रहनुमा को गाली देना छोड़ दो, कोई भी हो उसको गाली बकते हैं, अभी लोकल के विधायक को गाली बकेंगे, फिर उसके बाद जो है ना जब वो हार जाएगा तो फिर दूसरी बात, ये एक लंबी कहानी चल जाएगी। बहरहाल खबर देना आया था और उसका सॉल्यूशन मेरी नज़र में यही आता है जो मैंने आपके सामने बताया। इस खबर को अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है इसे बनाने की कोशिश करता हूँ, नौकरी कई जगह करता हूँ, काफ़ी लोग देखते हैं। ये चैनल इसलिए बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा तो जो प्रशासन सुनता नहीं है हमारी बातें तो शायद इस पर डाल दी जाएंगी तो वो सुन लेगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।